हम लोग कंटिन्यू करेंगे फोर्थ सम. ओके, फोर्थ सम इज गिवन रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:3:4. फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल, राइट रीजन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज. ओके, अभी हम लोगों को साइड नहीं दिया. ओके, एंगल्स दिया लेकिन एंगल्स का मेजरमेंट नहीं दिया. एंगल्स कैसा दिया है? रेशियो में दिया, 1:2:3:4, चार एंगल दिया. अभी हम लोगों एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वन एंगल है ना, सेकंड टू थ्री फोर दिया. फर्स्ट को हम लोग एक्स लेंगे, सेकंड को 2x लेंगे, थर्ड को 3x लेंगे, फोर्थ को 4x लेंगे. ओके, अभी तुम लोगों मालूम है क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ एंगल इज 360 डिग्री. ये चारों एंगल ए बी सी डी को ऐड किया तो कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए. ओके, दैट विल फाइंड आउट नाउ. फर्स्ट दिस रफ फिगर यू ड्रॉ, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. नाउ फाइनली विल फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज. नाउ राइट डाउन, लेट ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए गिवन क्वाड्रिलेटरल. इधर दिया है गिवन क्वाड्रिलेटरल. अभी रेशियो दिया, रेशियो ऑफ एंगल्स, द रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स. Ratio of consecutive angles 1:2:3:4. Then we'll take, हम लोग each angle will take x degree, 2x degree. Means हम लोग अलग अलग नाम देंगे. Measure of A is equal to हम लोग x degree लेंगे. Measure of B, इधर angle 2 आया right ना, तो ratio 2 में दिया. Measure of B is equal to 2x. Measure of C is equal to 3x, degree डालो because these are angles. Measure of D is equal to 4x degree. Okay. Now, sum of the measures of all angles of a quadrilateral is 360 degree. अभी हम लोगों एंगल मिला x, 2x, 3x, 4x, इसका टोटल सम कितना आना चाहिए? 360 degree. Therefore, measure of A plus measure of B plus measure of C plus measure of D, that is 360 degree. Now write down all angles, x degree, 2x degree, 3x degree plus 4x degree, that is 360. Now all the degrees you add, you will get 10x, that is 360. Okay, therefore the value of x is equal to 360/10, that is 36. Aya, theek hai, 36 x ka value 36 degree aya. To hamara measure of a ka value kitna ho gaya? 36 ho gaya. B ka value hum log find out karenge. B hum log ne kitna liya? 2x liya, 2 into 36. Measure of C is equal to 3 into 36. Measure of D is equal to 4 into 36. That we'll find out now. Measure of A, that is x degree, that is 36 degree, underline. Measure of B is equal to 2x degree, that is 2 into 36, 72 degree. Measure of C is equal to 3x, that is 3 into 36, that is 108 degree. Therefore, measure of D is equal to 4x, that is 4 into 36 degree, that is 144 degree. अभी हम लोगों को चारों एंगल मिल गया. ओके, अभी फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. ईच एंगल फाइंड आउट करके हो गया अपना. अभी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना? राइट रीजन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज. ये अभी हम लोगों ने बनाया हुआ फिगर कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल, आइधर ट्रेपिजम है क्या, आइधर काइट है क्या, और रेक्टेंगल है क्या, ऐसा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है. अभी देखो,
अभी हम लोगों मेजर ऑफ बी एंड मेजर ऑफ सी ये दोनों ऐड किया तो हमारा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, देयरफॉर विल फाइंड आउट मेजर ऑफ बी प्लस मेजर ऑफ सी, दैट इज बी इज इक्वल टू 72 डिग्री, सी इज इक्वल टू 108 डिग्री, टोटल आया 180 डिग्री. देयरफॉर साइड CD parallel to side AB. इधर देखो फिगर में B एंड C को मैंने ऐड किया, B का वैल्यू 72 है, C का वैल्यू आया 108. तो 108 प्लस 72 मीन्स 180 आया. ओके, बिकॉज 180 आंसर आया तो दे आर पैरेलल. ठीक है, सो साइड CD इज पैरेलल टू साइड AB. ओके, बिकॉज राइट डाउन रीजन, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. नाउ वन मोर साइड इज देयर दैट विल सी. नाउ अभी हम लोग इसका मेजरमेंट ये और ये देखेंगे, क्योंकि कौन कौन किसको पैरेलल बोल के फाइंड आउट करना. ये एंड बी देखो, मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू 36 डिग्री, बी का वैल्यू 72 डिग्री, दैट इज 108 डिग्री आया. सो दिस इज नॉट ए 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज जस्ट 108. सो दिस इज नॉट ए पैरेलल. देयरफॉर साइड सी, साइड बी सी इज नॉट पैरेलल टू साइड ए डी. BC is not parallel to side E. अभी तुम लोगों ट्रेपीजियम का बारे में मालूम है. अभी कौन सा भी फिगर में इधर दिया वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, बिकॉज वन पेयर. अभी BC एंड AD दे आर नॉट पैरेलल, ये एंड ये पैरेलल है. तो एक फिगर में एक पेयर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल मींस दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम. सो दिस फिगर इज trapezium. So we'll write down, therefore quadrilateral ABCD is a trapezium.